पहले हैट्रिक ली, फिर छक्का भी खाया और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरा करियर बर्बाद हो गया। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, चेतन शर्मा ने बहुत सारी बातें बोली जो शायद ही किसी को पता थी, लेकिन अब पूरी दुनिया बीसीसीआई के अंदर, टीम इंडिया के अंदर क्या चलता है वो सब कुछ हर कोई जानता है। और अब ये भी बताया जा रहा है कि चेतन शर्मा अपनी पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं। आपको बता दें कि बीसीसीआई पूरा मन बना चुकी थी कि आपको नया एक सिलेक्टर देखने को मिलेगा। सोनी क्रम आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए, इस मिसाल के मुस्ताक अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय मीडिया चैनल के एक स्टिंग ऑपरेशन, जो कि एक निहायत सीक्रेट ऑपरेशन था, जिसके जरिए चेतन शर्मा से ये बात उगलवाई गई कि भारतीय टीम के अंदर क्या क्या हो रहा है, और उन्होंने भी बगैर कोई लगी लिपटी उस खुफिया रिकॉर्डिंग में सारा कट्टा चट्टा भारतीय क्रिकेट बोर्ड और उनके चहते क्रिकेटर्स का खोल कर रख दिया, जिसमें ममनुआ ड्रग्स लेना, खिलाड़ियों और ड्रेसिंग रूम में तनाव, एक दूसरे से जेलसी, ईगो और इस तरह के बेशुमार मसाइल की तरफ निशानदेही की। चेतन शर्मा का ये इंटरव्यू आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, जिसमें वो खुफिया कैमरों के सामने एक एक चीज का इंकशाफ करते दिखाई दे रहे हैं। और ये कोई आम शख्स नहीं है, ये भारत के साबिक क्रिकेटर भी हैं और एक दिन पहले तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड और उसकी टीम के चीफ सेलेक्टर भी, यानी के जो अपनी टीम के लिए खिलाड़ी चुनते हैं। चेतन शर्मा के इन इंकशाफात के बाद जहां पूरी दुनिया की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम और उनके बोर्ड पर लान तान की जा रही है, उनके रवैयों को शर्मनाक करार दिया जा रहा है, क्योंकि किसी आम शख्स ने ये बातें नहीं की, एक प्रोफेशनल और टीम के साथ हर वक्त रहने वाले चीफ सेलेक्टर ने ये बातें की हैं, तो ये किसी भी तौर पर झूठ तो हो नहीं सकती। दूसरा, बीसीसीआई की तरफ से जो पैसे का इस्तेमाल करके ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद बड़े बड़े प्लेयर्स के फ्रॉड और दो नंबर कामों पर पर्दा डाला जाता है, वो भी सब बेनकाब होकर रह चुका है कि जो भारतीय बगैर थके 200 स्कोर बना लेते हैं, इसके पीछे यही वो अद्वियात है जो कि डोप टेस्ट तक में सामने नहीं आती। और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरा पूरा हाथ होगा, क्योंकि एक आम खिलाड़ी जिसे इन चीजों के बारे में इल्म नहीं होता, वो कैसे ऐसी अद्वियात मंगवा कर यूज कर सकता है जो कि आईसीसी के सख्त तरीन डोप टेस्ट में भी सामने नहीं आती। अब जो इतनी ज्यादा हेट भारतीय क्रिकेट और उनके बोर्ड को मिली, तो इस सब का मलबा और दबाव भारतीय चीफ सेलेक्टर पर पड़ा। हालांकि चाहिए ये था कि अपने अंदर की खामियों को एड्रेस किया जाता, उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाती। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते कि जिन गलतियों की निशानदेही हुई है स्टिंग ऑपरेशन में, हम उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा वही किया जिसकी भारतीयों से हमेशा तवक्को की जाती है। उन्होंने अपने ही चीफ सेलेक्टर पर इतना दबाव डाला कि उन्हें बकायदा तौर पर आज इस्तीफा देना पड़ चुका है। भारत का मीडिया भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि भारतीयों की असलियत जो सामने आई है, और यही सब कुछ आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक स्टिंग ऑपरेशन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और उनकी टीम मेंबर्स को नंगा किया है, और भारत का मीडिया अब सारा मलबा कैसे उसी बेचारे चीफ सेलेक्टर जिसकी खुफिया बातें लीक हुई हैं उस पर डाल रहा है। पहले हैट्रिक ली, फिर छक्का भी खाया और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरा करियर बर्बाद हो गया। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं चेतन शर्मा की, जिनका दी एंड बीसीसीआई में हो चुका है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, चेतन शर्मा ने बहुत सारी बातें बोली जो शायद ही किसी को पता थी, लेकिन अब पूरी दुनिया बीसीसीआई के अंदर, टीम इंडिया के अंदर क्या चलता है वो सब कुछ हर कोई जानता है। और अब यह भी बताया जा रहा है कि चेतन शर्मा अपनी पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार चेतन शर्मा को कब कब देश ने हीरो बनाया और कब वो अपनी ही करतूतों के कारण जीरो बन गए, क्योंकि चेतन शर्मा के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज हमेशा से जुड़ी रही। टीम इंडिया के सिलेक्टर चेतन शर्मा के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि पहले स्टिंग ऑपरेशन में वो सब कुछ भूल दिया जो बीसीसीआई के कमरों में बंद था, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ गया। जिन खिलाड़ियों के करियर बनाने का दावा चेतन शर्मा करते थे, वो खिलाड़ी एक आंख भी उन्हें देखना पसंद नहीं करते। खबरें तो यहां तक आ गई है कि चेतन शर्मा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब बीसीसीआई सचिव जय शाह इस इस्तीफे को स्वीकार भी करने वाले हैं। हालांकि चेतन शर्मा के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज हमेशा से ही जुड़ी रही है, कभी देश के वो हीरो बनते हैं तो कभी जीरो। साल 1986 में ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में चेतन शर्मा को सबसे पहले जीरो बनाया गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के जावेद मियां आजाद ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। उसके बाद 1987 वर्ल्ड कप में चेतन शर्मा ने हैट्रिक ली और देश के हीरो बने। वर्ल्ड कप में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले वो पहले गेंदबाज बने थे। क्रिकेट की पारी खत्म करने के बाद चेतन शर्मा एकेडमिक तौर पर क्रिकेट से जुड़े रहे, जैसे कि कमेंट्री, टीवी शो का हिस्सा बनना और कहीं ना कहीं क्रिकेट का साथ देना। काफी सालों बाद चेतन शर्मा को बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ा पद दिया गया और वो पद था चीफ सिलेक्टर का। यहाँ भी हीरो और जीरो की कहानी चेतन शर्मा के साथ चलती रही। दिसंबर 2020 में चेतन शर्मा को टीम इंडिया का चीफ सिलेक्टर बनाया गया। आरोप लगे कि टीम सिलेक्शन के बाद चेतन शर्मा एंड कंपनी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। चीफ सिलेक्टर के रूप में कार्यकाल भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा। चीफ सिलेक्टर के रूप में टीम के साथ उन्होंने लगातार ट्रैवल किया और सुर्खियों में बने रहे। इस दौरान चेतन शर्मा ने MS धोनी को टीम का मेंटर बनाया तो राहुल द्रविड़ को टीम का हेड कोच बनाया।
2021 T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हुए, एशिया कप से भी बाहर हुए और 2022 वर्ल्ड कप में रोहित की कप्तानी में भी हारे। विराट कोहली को लेकर कप्तानी मामले पर भी विवाद हुआ। साल 2022 नवंबर में चेतन शर्मा को सिलेक्शन कमेटी से बर्खास्त भी किया गया। इसके बाद जनवरी में फिर से चेतन शर्मा को बीसीसीआई ने टीम इंडिया का चीफ सिलेक्टर बना दिया। ठीक ठाक कार्यकाल के बाद भी चेतन शर्मा को बीसीसीआई ने फिर एक मौका दिया कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, लेकिन विवाद ने फिर से चेतन शर्मा का पीछा नहीं छोड़ा और चीफ सिलेक्टर का स्टिंग ऑपरेशन हो गया। स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने क्या कुछ नहीं बोला, ऐसी ऐसी बातें सामने आई जिसके बाद बीसीसीआई से लेकर टॉप भारतीय खिलाड़ी ने भी चुप्पी साध ली। स्टिंग में चेतन शर्मा ने कहा कि खिलाड़ी फिटनेस के लिए इंजेक्शन लेते हैं, विराट और रोहित के बीच में ईगो क्लैश है, टीम को बतौर सिलेक्टर वो खुद चलाते हैं। विराट कोहली ने कप्तानी मामले पर भी मीडिया से तरह तरह का झूठ बोला। सौरव गांगुली ने कभी भी कप्तानी के लिए विराट कोहली को हटाने की बात नहीं की थी, सिलेक्शन कमेटी ही कप्तानी को लेकर फैसला करता है। इसके अलावा चेतन शर्मा ने यह भी कहा कि टीम के खिलाड़ी उनसे घर में मिलने आते हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा उनके घर लगातार आते हैं। इसी के साथ अपनी तारीफ में चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में कहा कि चीफ सिलेक्टर ही 80-85% टीम इंडिया को चलाता है। ये सारी बातें चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में की, जिसके बाद बीसीसीआई में भूचाल आया। खैर, चेतन शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया है और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी मार ली है। अब देखना होगा कि इस इस्तीफे के बाद कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं, लेकिन चेतन जी के लिए एक बात तो तय है कि वो कभी देश के हीरो रहे तो कभी जीरो। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर ये है कि टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपना इस्तीफा बीसीसीआई के सचिव जय शाह को भेज दिया है। यानी कि क्लियर है कि चेतन शर्मा ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है, चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, अभी 3 दिन पहले चेतन शर्मा का एक स्टिंग सामने आया था, एक प्राइवेट चैनल ने उनका स्टिंग किया था जिसमें कई बड़े खुलासे चेतन शर्मा ने किए थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि चेतन शर्मा का अब क्या होगा, क्या बीसीसीआई उनको हटाएगा। लेकिन उससे पहले ही चेतन शर्मा ने खुद नैतिक आधार पर इस इस्तीफे को भेज दिया है बीसीसीआई के सचिव जय शाह को, जिसके बाद उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अब चेतन शर्मा इस पद पर बने नहीं रहेंगे। आपको कुछ दिनों में एक नया चयनकर्ता नजर आएगा। अगर आपको बताएं कि बीसीसीआई के अधिकारियों ने जो मीडिया से बातचीत हुई थी उसमें मतलब ऑफ रिकॉर्ड ये बताया था कि बहुत जल्दी आपको एक प्रेस रिलीज देखने को मिलेगी, प्रेस रिलीज आएगी, लेकिन प्रेस रिलीज तो आई नहीं। उससे पहले ही चेतन शर्मा का जो इस्तीफा था वो आ चुका है, यानी कि बीसीसीआई नाराज हुई थी चेतन शर्मा का जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें उन्होंने बड़े खुलासे किए थे, उसमें बीसीसीआई बहुत ज्यादा खुश नहीं थी उन चीजों से। तो नैतिक आधारों पर चेतन शर्मा ने खुद ही ये फैसला लिया कि वो रिजाइन कर रहे हैं और उन्होंने अब रिजाइन कर दिया है अपने पद से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चेतन शर्मा अब बीसीसीआई टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता नहीं है। इस इस्तीफे को जय शाह जो बीसीसीआई सचिव है उन्होंने स्वीकार भी कर लेंगे। आपको बता दें कि बीसीसीआई पूरा मन बना चुकी थी कि आपको नया एक सिलेक्टर देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट की चेतन शर्मा अब टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता नहीं है, अब एक नया चयनकर्ता आपको जल्द मिलेगा।